तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सिस्टम कितने तरह का होता है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन और मैकेनिक्स में वर्क डन एक ही बात है। मैकेनिक्स में वर्क डन जैसे ये एक ब्लॉक है, इसको इस पर एक फोर्स लगा है जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज 2 मीटर हुआ है, तो वर्क डन कितना होगा ये केवल इस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये ब्लॉक यहां से यहां तक कैसे गया है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर ये ब्लॉक यहां से यहां तक स्लोली मूव करके आया है, या पहले स्लो मूव किया फिर फास्ट मूव करके आया है, या यहां से यहां तक फास्ट मूव करके आया है, कैसे मूव करके गया है वर्क इस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर फोर्स वैल्यू सपोज इसका वैल्यू 10 न्यूटन है, तो यहां से यहां तक का वर्क डन कितना होगा, तो आप लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, का मतलब एफ कांस्टेंट अगर है तो ये बाहर आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। एफ का वैल्यू है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 2 है, सो दिस इज 20 जूल। लेकिन यहां से यहां तक अगर मूव इस प्रोसेस से किया है तब वर्क कितना होगा भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का वैल्यू आप रख दीजिए 10x² dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2, दिस टोटल वर्क डन इज 10 बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट रखेंगे 0 से 2, 10/3 2 × 4 × 8 जीरो रखेंगे तो जीरो हो गया, 80/3 जूल। ये वर्क डन यहां से यहां इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है लेकिन वर्क अलग अलग है, मतलब वर्क प्रोसेस पर डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई गैस है जिसका प्रेशर पी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर शुरू में T1 था, और इसका टेम्परेचर T1 से T2 चेंज किया, सपोज बाई प्रोसेस दिस, आपको जब वर्क पूछा जाएगा तो प्रोसेस दिया रहेगा कि किस प्रोसेस से वर्क आपको निकालना, जैसे यहां फोर्स दिया हुआ था तो प्रोसेस दिया हुआ है, और कोई भी एक क्वांटिटी में चेंज प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर ये दिया रहेगा, जैसे यहां टेम्परेचर का चेंज दिया है, किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का चेंज रहेगा या किसी क्वेश्चन में प्रेशर का चेंज रहेगा, इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर उसका टेम्परेचर प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई एक चीज क्या है, ये अगर दिया हुआ है तो वर्क आप निकाल सकते हैं। आपके पास वर्क का फॉर्मूला है यहां पर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, लास्ट सिखाए थे वहीं से ये आता है। अब जो प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस को आप रख दीजिए, ये 4/T है, और यहां पर डी वी आप लिख दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस। अब हमारा एम है कि इस डी वी को डी टी के टर्म में लिख दें, डीवी को कैसे लिखे डीटी के टर्म, क्योंकि तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, और चूंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तुमको दिया है तो लिमिट भी T1 से T2 आप कैसे रखना पड़ेगा। डीवी को अगर डीटी में रख दें तो ये सिंपल इंटीग्रेशन उसको कर लेंगे। कोई भी प्रोसेस जो दिया है, ये पीटी में प्रोसेस दिया है, इसको आप वीटी में भी लिख सकते हो, इसको आप पीवी में भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर आइडियल गैस, एंड फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करके वी को टी में लिखना है, मतलब पी को इलिमिनेट कर दीजिए, तो पी को इलिमिनेट करने के लिए आप 2/1 कर दीजिए, अप्लाई 2/1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वी इक्वल टू एन आर टी बाई 4/T, तो टी स्क्वायर हो गया। अब वी और टी में रिलेशन आ गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, dv इज इक्वल टू एन आर बाई 4 टी स्क्वायर का डिफरेंसिएशन 2t dt। अब इस क्वांटिटी को आप यहां रख दीजिए 4/t, dv के जगह पर रख दीजिए एन आर बाई 2t dt, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2, ये वर्क डन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये t से t कैंसिल हो गया, एन आर 2 और dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे T2 - T1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोसेस को जैसे चेंज कर देते हैं, आप लोग कोई भी प्रोसेस बोलिए और कोई भी एक में चेंज बोलिए, या तो प्रेशर में चेंज, या जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज दिया हुआ था और प्रोसेस दिया हुआ था, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक प्रोसेस बोलना है
और किसी एक क्वांटिटी में चेंज बोलना है, आप उसमें वर्क डन निकाल सकते हो। और जिस दिन वर्क डन निकालना सीख गए उस दिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि डी यू निकालना आसान होता है, और डी यू प्लस डी क्यू निकाल लिए तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू निकाल लिए तो डी क्यू आ जाएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही थर्मोडायनेमिक्स का 70% पास्ट, जो 11th में सिलेबस है उसका 70% पास्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। तो अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इस सीरीज में और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूटन ट्यूटोरियल्स JEE मेंस एंड एडवांस नीट की तैयारी के लिए 5th फ्लोर हरिओम टावर रांची।